बैक माय यूट्यूब चैनल। तो डियर फ्रेंड्स, ऑडियो फ्रेंड्स, जो आज का हमारा टॉपिक होगा वो होगा भारतीय संविधान का, और इसमें हम पढ़ेंगे अनुसूचियां। इससे पहले मैंने आपको दो वीडियो बना दिए हैं संविधान के, और ये जो हमारा है वो है पार्ट थर्ड। तो ये पार्ट थर्ड हम पढ़ेंगे, और इससे पहले आपको जो दो वीडियो है मैंने प्रोवाइड करा दिए हैं, अगर आपने नहीं देखी है तो चैनल पे जाकर देख लेना। जब और सबसे ज्यादा ये मैं कहना चाहूंगा, तो आप जो बैठे हुए हैं घर पे, लॉकडाउन चल रहा है, अगर आप कोई चीज अच्छी लगती है तो आप उस चीज को शेयर कर देते हैं, और आपको वो चीज पता तब भी आप उस चीज को शेयर नहीं करते। तो मेरा आपसे कहना यह है कि आपके भाई बहन जो भी होगा तो आपको क्या करना, उसे ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करना है, ताकि वो भी घर पे बैठे हुए इस चीज को देख सके, समझ सके और सुन सके। तो जो लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए, तो प्लीज क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कर देना है। तो सबसे पहले आते हैं हम ये पार्ट थर्ड, और इसमें हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान। इसमें आ गए हमारा ये अनुसूचियां। इससे पहले जो मैंने आपको बता दिया कि संविधान किस तरीके से बना, उसमें कितने दिन लगे, उसका अध्यक्ष कौन था, प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था, संचालन समिति का अध्यक्ष कौन था, ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष कौन था, ये प्रांतीय संविधान का जो प्रांतीय संस्थाएं होती है उनका अध्यक्ष कौन था। तो अब सब चीज मैंने आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये सब जवाहरलाल नेहरू और अपने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सबके बारे में बता दिया आपको, और बी आर अम्बेडकर। तो एक अगर आप नहीं देखें तो जाके उसको देख लें। दूसरा हमारा क्या रह गया, दूसरा हमारा रह गया, हमने पार्ट अभी तक कितने भी हैं वो हमने पार्ट भी पढ़ लिया। पार्ट हमारे कितने वो है 22, क्योंकि जो हमारा संविधान है वो कितनों पार्टों में है वो मैं आपको यहां पर बता दे रहा हूं। तो जरा सामने व्हाइटबोर्ड पर देख लें आप लोग, जो हम ये पढ़ेंगे ये हमारी है 12 अनुसूचियां हैं। इनको जितने भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, यानी कि जो हमारे मुख्य पदाधिकारी होंगे उनको इंक्लूड किया गया है सारे, इसमें कैसे वेतन भत्ते, कौन स्टेट है, कौन राज्य है, कौन यूनियन टेरिटरीज है, तो इसको बताया गया। 22 पार्ट मैंने आपको इससे पहले, यानी भाग जिसे बोलते हैं, वो मैंने आपको बता दिए। अब ये बता रहा हूं 12 सीरीज 395 जो हमारे आर्टिकल यानी कि एक्ट है, तो उनको भी मैं आपको धीरे धीरे करके बता दूंगा। 395 जिनको बोलते हैं अनुच्छेद। तो हमने 22 भाग यानी पार्ट पढ़ लिए थे, कैसे संविधान बना, किस तरीके से बना, और ये दो वीडियो में आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अब पढ़ते हैं हम अनुसूचियां। तो शुरू करते हैं सबसे पहले अनुसूची, यानी प्रथम अनुसूची। क्योंकि देखो ऐसा है, मैं ये नहीं चाहता कि आपका एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन छूटे। अगर बाई चांस कोई भी क्वेश्चन आ रहा है आपके एग्जाम में और वो आपसे छूट जाता है, आपने पूरा संविधान पढ़ लिया, तो कितना बुरा लगता है, अच्छा तो नहीं लगेगा, बुरा लगता है कि हमने इतनी मेहनत की, इतनी पढ़ाई की और हमारा एग्जाम में वो क्वेश्चन छूट गया। तो क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, आराम से उसको समझ समझ के पढ़ना है, ताकि हमारा एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटे। तो मैं भाई कह रहा हूँ, चैनल पर जो आए पहली बार, क्या कर देना, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करना है। तो आते हैं सबसे पहले प्रथम अनुसूची। तो प्रथम अनुसूची में देखते हैं इसमें क्या होगा, हमारे स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज यानी केंद्र, और हमारे राज्य यानी कि राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश यानी स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज होते हैं इसमें। और इसी में क्या था, हमारे 69 जो होता है संशोधन यानी 69 अमेंडमेंट जिसको हम बोलते हैं, तो उसमें अमेंडमेंट एंड संशोधन में हुआ क्या था, इसमें दिल्ली को जो राजधानी हमारी कैपिटल उसको ये दर्जा प्रदान किया गया था, कौन से 69 अमेंडमेंट यानी कि संशोधन में। संशोधन क्या होते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, संशोधन की प्रक्रिया कहां से ली गई है वो भी मैं आपको बताऊंगा। ये चीजें मैंने शायद आपको पिछली वीडियो में भी बता दी गई होंगी कि एक्ट के इसमें जो हमारा संशोधन संविधान की प्रक्रिया है वो किससे लिया गया, तो आप प्लीज वो वीडियो जाके देख लें, बहुत आपके काम आने वाली है। और हर चीज को आप क्या करें, उस चीज को देखें, नोट करें, तब आप अच्छे से उसको सीख पाएंगे। तो प्रथम अनुसूची में क्या है, हमारा राज्य और यूनियन टेरिटरीज यानी संघ, और दूसरा राज्य हो गया। अब आते हैं, और मैंने ये बता दिया 69 जो अमेंडमेंट संशोधन है उसमें क्या है, हमारी दिल्ली को कैपिटल यानी कि राजधानी का दर्जा दिया गया। अब इसमें यह बात आती है कि दिल्ली को राजधानी दर्जा दिया गया, ये तो हो गई अमेंडमेंट की बात। दूसरा क्या है, दूसरा सबसे बड़ी बात यह है, जब 1911 में जॉर्ज मैरी और पंचम आए थे इंग्लैंड से इंडिया में, तो उस समय जो कैपिटल थी हमारी वो थी हमारी कोलकाता यानी कलकत्ता। कलकत्ता से हटाकर यानी 1911 में वो हमारी राजधानी क्या कर दी गई, वो कर दी गई हमारी दिल्ली, यानी कि आपको पता ही है जो हमारी दिल्ली समय न्यू दिल्ली राजधानी है। तो 1911 में जॉर्ज मैरी एंड पंचम जब आए थे तो उनके भव्य उद्घाटन में एक स्वागत करा गया था, वो इंडिया आए थे, तो उस समय जो हमारी कैपिटल थी वो थी कोलकाता, और कोलकाता के बाद में ये हमारी कहां पर आ गई, स्थानित हो गई, वो गई हमारी यहां जहां आप देख रहे हो न्यू दिल्ली 1911 के बाद। दो चीजें मैंने बता दी, दो चीजें, क्योंकि जो चीज मैं यहां लिखता हूं वो आप उसको
अच्छे से सुनिए और जो मैं आपसे बोलता भी हूँ उसको भी आप अच्छे से सुनिए, क्योंकि कुछ चीजें होती हैं यहाँ लिखने से पॉसिबल नहीं होती हैं। अगर मैं सारा टाइम आपको ऐसे ही लिखने में सारा बेकार कर दूंगा तो आपको, और ये जो लिख रहा हूं मैं आपको, ये मैं आपको समझ लो नोट्स दे रहा हूं। अगर जो चीज मैं आपको बोल रहा हूं, जैसे सपोज है कि मैं आपको नोट्स नहीं देता, मैं जो भी चीज है वो आपको यहां बता देता कि सेकंड यानी द्वितीय अनुसूची में ये होता है, थर्ड में ये होता है, तो आप उस चीज को अच्छे से नहीं समझ पाते। और जब मैं यहां जो चीज बोल रहा हूं और वो चीज आपको लिखवा भी रहा हूं तो आपका जो हो रहा है डबल वर्क हो रहा है, यानी वो चीज आपको याद भी हो रही है और वो चीज आपको, यानी कि कह सकते हो उस चीज का आप रिटन भी बात कर रहे हैं। आप अगर आप कभी भी एग्जाम आएंगे तो उस चीज को भूलेंगे नहीं, इसलिए मैं सारे नोट्स आपको प्रोवाइड कर रहा हूं ताकि वो चीज आपको याद रहे, आप उस चीज को भूले नहीं। नहीं तो मैं लिख देता कि अनुसूची इतनी होती है, 12 अनुसूची होती है, फर्स्ट अनुसूची में क्या होता बस ना बता देता, सेकंड में क्या होता, थर्ड में क्या होता, अभी मैं देखो आपको सब बता दूंगा, आप भूलेंगे भी नहीं। तो ये तो अगर हमारी इंडियन स्टेट, जिन बच्चों ने 10th क्लास पास आउट कर लिया है उन्हें, उन बच्चों को पता होगा कि मैंने उनको किस तरीके से उनके उनका एग्जाम में ये सारी जो मैं ये बता रहा हूँ सीरीज, जो आपके भाई बहनों उनसे आप पूछे ना, जो मैंने सीरीज बताई थी यानी ये आपको अनुसूचियां बताई थी, तो उन्होंने आराम से उस चीज को कर भी लिया, शेड्यूल को कर भी लिया होगा। तो अगर नहीं आपको यकीन हो रहा तो आपके जो बड़े भाई जो इस साल 10th पास आउट हो गए हैं तो उससे आप पूछ लेना कि मैंने संविधान किस तरीके से पढ़ाया, किस ट्रिक के साथ पढ़ाया, और वो अपने यहाँ भी बैडबोर्ड पे जाकर जो 12 शेड्यूल दे रखे हैं या अनुसूचियां दे रखी आराम से कर लेते हैं बिजली ट्रिक के साथ। तो ट्रिक के साथ मैं बताता जाऊंगा, फिलहाल आप इसको ध्यान रखिए। तो द्वितीय अनुसूची में क्या, मुख्य पदाधिकारियों के वेतन भत्ते एवं राष्ट्रपति राज्यपाल लोकसभा विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, यानी पहले में हमारा क्या हो गया, पहले में जो हो गया हमारा वो हो गया इंडियन टेरिटरीज और स्टेट यानी कि राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश। दूसरे में हमारा क्या, मुख्य पदाधिकारी के वेतन इसमें क्या होगा, सैलरी मिलेगी। और दूसरा क्या होगा इसमें, जितने भी होंगे यानी कि राज्यपाल है, लोकसभा है, विधानसभा है के अध्यक्ष उपाध्यक्ष राज्यसभा, तो अब देखो यहां पर आपने दो चीज नोटिस करी होगी, दो चीज क्या, एक लोकसभा और एक विधानसभा। ये जितने यहाँ पर पॉइंट लिखे लोकसभा राष्ट्रपति और ये राज्यपाल लोकसभा विधानसभा विधान परिषद उपराष्ट्रपति, ये मैं सब आपको आराम से बताऊंगा, पहले आप आराम से उस चीजों को पढ़िए, पढ़ के आगे बढ़िए, नहीं तो एकदम मैं पहुंच जाऊं लोकसभा विधानसभा पे उस चीज को आप कंफ्यूजन हो जाएंगे। तो इनको हम पढ़ते रहेंगे। तो ये लोकसभा विधानसभा और ये यहाँ पर देखिए राज्यसभा तथा विधान परिषद जो ले रखा है, तो इसमें बहुत बड़ा लॉजिक है। लॉजिक क्या, लॉजिक समझिए। एक तो जब आपको पता है जहां जितनी सीटें आप कह सकते हैं जितनी लोकसभा में सबसे ज्यादा होंगी और विधानसभा में सबसे ज्यादा होंगी, सीटों का विवरण जो सीटों का है वो हम आगे बताएंगे कि कितनी होती है। अब मैं आपको बता दूं तो जितनी भी 450 और 445, इसमें हमारे जितने भी है 245 और 250, इसमें भी होंगी हमारी किधर गया आपका राज्यसभा। तो राज्यसभा में ये विधान है विधानसभा, विधानसभा में 500 होती है, विधानसभा में कितनी होती है 500 सीटें होती। तो सीटें हम आगे डिस्कस करेंगे, अभी हम सिर्फ ये देख रहे हैं राज्यसभा में होती है 250 मैक्सिमम, मिनिमम होती है 245 और इसमें होती है हमारी यानी कि 60 होंगी और 40 होंगी, इसको भी आपको ध्यान रखना है। यानी कि इसमें जब ज्यादा यहां पर आपको पूछा जाए तो आपको ज्यादा मेंशन करना है, कम पूछा जाए आपको तो कम मेंशन करना है। यानी कि मैं आपको विधानसभा और विधान परिषद के मेंबर की क्वालिफिकेशन ये सब उसमें कितने हमारे सीटें होती है वो भी सब आपको मैं आगे आगे करके बताता जाऊंगा कि यानी 50 है वो यानी कि 500 है, तो 500 यानी कि ज्यादा हो गई, तो ज्यादा में हम मिनिमम क्या करेंगे 60 इंक्लूड करेंगे, तो भाई ज्यादा है तो ज्यादा है। ऐसे ही जब हमारी अब अगर हम विधान परिषद में, तो विधान परिषद में हमारी पता है कम है तो 1/3 हो गया और 40 हो गया, 40 हो गया 1/3 हो गया, यानी मिनिमम मैक्सिमम अधिकतम न्यूनतम 1/3 और 40, यानी बोले कम है तो कम होगी ज्यादा है तो ज्यादा होगी। तो इसको आपको याद करना है, वो सब याद कर लेंगे, उसकी कोई दिक्कत नहीं, आप इसको पहले देखते जाइए कितनी कैसे। और बाई चांस अगर मुझसे कुछ भी है जैसे कोई बैड है तो आप उसको चीज इग्नोर कर दीजिए, क्योंकि जैसे कोई चीज बोलने में निकल जाती है आराम से जल्दी में, इसलिए मैं जल्दी जल्दी बोलता हूँ, वैसे तो कोई बात नहीं, तो आप उस चीज को इग्नोर करिए, कमेंट करके पूछिए अगर बाई चांस कोई, तो मैं उसको आंसर में रिप्लाई, उसके जो आपका कमेंट बॉक्स है उसमें रिप्लाई जरूर करूंगा। तो इसमें हमने विधानसभा विधान परिषद और उसके अध्यक्ष और राज्यसभा तथा विधानसभा के परिषद, ये विधानसभा जो परिषद हमारी और सभापति तथा उपसभापति, और इसमें हमारे आ जाएंगे जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक हैं, और वो भी मैं लिखवा दूंगा नियंत्रक महालेखा परीक्षक हैं, और दूसरा हमारा क्या आ गया सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं वो भी इसमें आ जाएंगे, यानी जिनको बोलते हैं सर्वोच्च न्यायालय के जज, उनको भी मैं अभी लिखवा दूंगा। तो आप इन चीजों को ध्यान रखना है आपको। सबसे पहला हमारा इसमें हो गया संघ और यूनियन, इसमें इसको बोलते हैं संघ या यूनियन, ये यूनियन टेरिटरीज, तो स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज,
या संघ, इसको बोलते हैं राज, या इसको राज और इसको यूनियन टेरिटरीज, तो स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, और चाहे इसको संघ बोल लीजिए चाहे यूनियन बोल लीजिए। सेकंड में मैंने बता दीजिए आपका, तो सेकंड में हमारा क्या होगा, वेतन नहीं आएगा अभी, वो आएगा हमारा थर्ड में। तो इसमें जितने भी थर्ड की बात हम छोड़ेंगे बाद में, पहले इसको अंडरलाइन कर लीजिए वेतन को, और थर्ड में आ गई हमारी ओथ यानी कि शपथ। तो कोई है जैसे हमारा, हम मैं हूं, मैं किसी स्टेट में रह रहा हूं, तो स्टेट में आ गया मैं यूनियन में रह रहा हूं। दूसरे सेकंड में क्या आ गया, मुझे कुछ ना कुछ काम करने के लिए पैसा चाहिए, तो मुझे क्या मिलेगा, वेतन। थर्ड में पहुंचूंगा ओथ यानी मैंने कोई काम कराया, तो मैं किसी से कराया, तो वो कहेंगे देखो आपको जो भी सैलरी मिली तो उस चीज के लिए आप ध्यान करो, वो कसम खाई थी आपने। तो थर्ड में आ जाएगी ओथ, अब पहले इतना लिख लेते फिर आगे नेक्स्ट पर। तो अब जैसी ये खत्म होगी मैं आपको सब डाटा बता दूंगा, आप पहले इतनी चीजों को नोट कर लीजिए फिर मैं हट जाता हूँ, फटाफट इन चीजों को नोट करिए फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। और जो चीज मैं बता रहा हूँ वो आप आराम से सुनिए, क्योंकि जल्दी जल्दी बोलने में ऐसा हो सकता है कि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है, इसलिए मैं फास्ट बोलता हूँ, क्योंकि सिलेबस बहुत होता है पढ़ाने के लिए। तो आप फटाफट नोट कर लीजिए, इसके बाद मैं अभी और लिखवाऊंगा जो अपनी 12 है, तो लिखिए फटाफट नोट करिए जल्दी से। अब इसको आगे देखिए, आगे इसको पढ़ते हैं, इसी में हमारी जो मैंने इसके आगे लिखवा दी थी सेकंड, यानी पहले मैं आप बता दी मैंने आपको, उसमें क्या हो गया स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज यानी कि जो हमारा राज्य है और संघ। सेकंड में मैंने बता दिया आपको, तो सेकंड में जितने भी होंगे पदाधिकारी उनको क्या दिलवाई जाएगी भैया, एक वेतन सैलरी दिलवाई जाएगी। कोई काम कर रहे हैं तो क्या होगा, सैलरी तो दिलवानी पड़ेगी ना, जैसे कोई स्टेट में आया तो उसको क्या दिलवानी है, सैलरी दिलवानी, चाहे लोकसभा का अध्यक्ष हो, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे वो उपराष्ट्रपति हो, कोई भी हो, सबको क्या दिलवाई जाएगी, उसमें सैलरी होगी भी, सैलरी तो होगी, बिना सैलरी को कोई काम करेगा नहीं। तो सेकंड में क्या हो गई हमारी सैलरी, पहले में आपको ध्यान रखना है राष्ट्र और यूनियन टेरिटरीज यानी जिसे बोलते हैं संघ, दूसरे में हो गई हमारी सैलरी जिसको बोलते हैं वेतन भत्ता, थर्ड में हो गई हमारी अब आते हैं शपथ, शपथ और शपथ किसको दिलवाई जाएगी आपको पता ही है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जितने भी होंगे व्यवस्था प्रकार के सबको शपथ दिलवाई जाती है, चाहे हमारा कोई भी हो राज्यपाल को भी शपथ, लोकसभा और राज्यसभा के सभापति सभापति सबको शपथ दिलवाई जाती है। तो थर्ड में क्या आ गई हमारी शपथ, यानी थर्ड अनुसूची में क्या बताया गया शपथ, पहले में राज्य और संघ, दूसरे में हमारे आ गए वेतन, थर्ड में आ गई शपथ, तीन हो गए जनायात, चौथी यहीं के यहीं याद करवा दूंगा आपको, आज के बाद कभी भूलोगे नहीं, अगर 20 मिनट या 25 मिनट की वीडियो देख ली तो बिल्कुल भूलना नहीं है कितनी अनुसूचियां होती है कितने क्या। तो चौथी में देखते हैं, चौथी में क्या होगा राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, यानी कि चौथी अनुसूची में क्या हो गया, मैं इसलिए आपको दोबारा बार बार बताता जा रहा हूं ताकि आपको वो चीज याद रहे भूले ना। चौथी में क्या आ गया राज्यसभा का जितने भी होंगे उसका क्या होगा स्थानों का आवंटन होगा, तो ध्यान रखना पहली अनुसूची में क्या हो गया, पहली अनुसूची में आपको हो गया राज्य और संघ, दूसरी में हो गई आपकी सैलरी यानी वेतन भत्ता, थर्ड में आपकी हो गई शपथ, चौथे में आ गया क्या आपका जो होंगे राज्यसभा के स्थानों का आवंटन, पांचवी में यानी पंच एसटी और एसटी, एससी और एसटी अनुसूचियों का आवंटन, उनके कार्य प्रशासन जो होता है उसके बारे में बताया जाएगा। देखो अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों का प्रशासन व नियंत्रण, यानी कि पांच में पांच का पंच, यानी कि एससी और एसटी यानी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स जिनको बोलते हैं, एससी और एसटी के जितने भी होंगे जनजाति या अनुसूचित जाति उन सभी का प्रशासन और उनपे क्या होगा नियंत्रण, ये होगा हमारा पांच। फिर बताऊंगा अभी दोबारा फिर से सारी चीजें बता दूंगा आपको, पांच हो गई ना यार, अभी कितनी बची है हमारी, कितनी बची है, हाँ अभी सात तक, अभी तो बहुत सारी बची होंगी, अभी तो कितनी है आठ बची हुई है, अभी तो कितनी होगी पांच हो गई, नहीं अभी कितनी हो गई हमारी चार हो गई, तो अभी हाँ आठ बची है, तो इसको भी देख लेते हैं 1 2 3 ये सारी मैंने करवाई थी, अब आ जाते हैं छठी पे, अभी तो सात बची हैं, हाँ सात, अब आ जाते हैं आठ पे, तो ये हमारी थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स, तो छठी अनुसूची में देख लेते हैं, छठी में क्या असम मेघालय त्रिपुरा और मिजोरम के जो हमारे स्टेट हैं उनको क्या है उनमें हमारे जैसे कह सकते हैं उनको इंक्लूड किया गया है और उनके अनुशासन और प्रशासन के बारे में बताया गया है। अब वो छोड़ो कितनी रहेगी कितनी रहेगी, अब मैं अब आपको दोबारा बता दे रहा हूँ कि कितनी अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियां हैं। पहली अनुसूची में क्या है हमारी राज्य और संघ यानी कि स्टेट या एंड यूनियन टेरिटरी, सेकंड में है हमारा वेतन भत्ता यानी सैलरी, थर्ड में हमारी है ओथ जिसको बोलते हैं हम शपथ, और फोर्थ में आ गया हमारा राज्यसभा के जितने भी होंगे उनके लिए स्थानों का आवंटन, पांच में आ गया हमारा पंच, पांच का पंच एससी और एसटी
अनुसूचित जाति और जो आपका लिखा हुआ अनुसूचित जनजाति, यानी अनुसूचित जाति और जनजातियों का जब प्रशासन होगा और इसका नियंत्रण होगा उसके बारे में बताया गया। छठी में आपका बताया गया, छठी में क्या है, असम मेघालय त्रिपुरा और मिजोरम के जो स्थानों का आवंटन यानी स्टेट का है उसके बारे में बताया गया। सातवीं अनुसूची में क्या है, सातवीं अनुसूची में इसमें तीन है, यानी कि इसमें तीन सूचियां आप पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे हमारी सबसे पहले जो लिखी जाएगी वो लिखी जाएगी किस के कौन सी विषय के अंतर्गत आती, कौन राज्य अंतर्गत आती, कौन केंद्र के अंतर्गत आती है, कौन संवर्ती सूची है। तो तीन सूचियां होती है उनको हम पढ़ेंगे, यानी केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियां, इनको आप नोट कर लीजिए। कितने बचे हैं, छह बचे हैं कि आठ बचे, उससे आपको मतलब नहीं है। मैंने आपको कितनी याद करवा दी क्योंकि मैं अभी हटा दूंगा, क्योंकि इसको फिर ध्यान रखना। पहली अनुसूची क्या हो गई, पहली अनुसूची हो गई हमारी राज्य और स्टेट जिसको बोलते हैं राज्य, और दूसरा हमारा संघ, राज्य और संघ। दूसरे में हमारा हो गया वेतन, थर्ड में हो गई शपथ, फोर्थ में हमारा हो गया राज्यसभा के जो स्थान है उनका आवंटन, पांच का एसटी और एसटी, एससी और एसटी, और छठा हमारा हो गया जिसको मैं बोल रहा हूँ आपको असम मेघालय त्रिपुरा और मिजोरम के बारे में जो बताया गया उसके बारे में इंक्लूड किया गया है स्थानों का आवंटन, कैसे उसको में कितने स्टेट कैसे किस जिलों को रखा जाएगा। और सातवें में हमारी हो गई संवर्ती सूची और जो केंद्र और राज्य के पास है वो है। तो कौन कौन सी है वो अभी तीन सूचियां मैं आपको लिखाऊंगा, एक केंद्र राज्य और संवर्ती कॉन्क्रेट जैसे बोलते हैं। तो इनको ये हो गई सात केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियां, तो इनको आप नोट कर लीजिए। फिर आते हम जो हमारी है तो इनको नोट करिए फटाफट। अब आते हैं नेक्स्ट पे, तो नेक्स्ट पे देख लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले अब संघ सूची में बता रहा हूं कि अभी तक हमने जितनी भी सूचियां पढ़ ली, एक तो पहली में क्या पढ़ा हमने, स्टेट एंड इंडियन टेरिटरीज। सेकंड में हमने क्या पढ़ा, फर्स्ट में हमने राज्य और संघ पढ़ लिया। सेकंड में हमने क्या पढ़ा, सेकंड में हमने पढ़ लिया जो हमारे वेतन भत्ता यानी सैलरी। थर्ड में क्या है, ओथ शपथ यानी जो पदाधिकारी को शपथ दिलवाई जाती है। चौथी में हमने क्या पढ़ा, राज्यसभा का जो स्थानीय सुशासन है यानी राज्यसभा का आवंटन। और हमारा फिफ्थ आगे एससी एसटी, यानी एससी एसटी में जो भी प्रशासन नियंत्रण है उसके बारे में बताया गया है। एससी और एसटी यानी अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र होते हैं वो। ये कितने हो गए थे हमारे, पांच। छठी में मैंने क्या बताया था आपको, छठी में मैंने आपको बताया था असम मेघालय त्रिपुरा और मिजोरम के बारे में बताया गया है, उनके बारे में बताया गया। सातवीं में क्या बताया था मैंने आपको, जो यहाँ सामने लिखी हुई है सातवीं में, यानी केंद्र और राज्य के बारे में बताया गया। तो केंद्र और राज्य के बारे में किस तरीके से उसका नियंत्रण, किस तरीके से वो अपना प्रशासन चलाते हैं उसके बारे में बताया गया। इससे पहले मैंने आपको संघ और राज्य और संवर्ती सूची बता दिया। संघ में क्या होता है, संघ में जो भी सरकार बनाती है वो कौन बनाती है, वो कानून बनाती है हमारा केंद्र में, यानी जो पहला आपको दिख रहा है ऊपर वो दिखा होगा संघ, दूसरा आपको सेकंड पे दिख रहा होगा राज्य, और थर्ड पे आपको देखो दिख रहा है संवर्ती सूची। तो सबसे पहले जो हमारी संघ सूची है, तो संघ सूची में क्या है, इसमें जो अपने कानून बनाएगी वो बनाएगी हमारी केंद्र। सेकंड क्या है हमारी राज्य, राज्य सूची यानी राज्य अनुसूची है जिसमें होगी राज्य सूची में। तो राज्य में क्या, राज्य में इन दोनों में हमारी कोई नहीं बनाती, वो बनाती है सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट, यानी पहले में जो हमारी गवर्नमेंट कानून बनाएगी वो लॉ जितने भी नियम कानून रेगुलेशन बनाएगी वो हमारी बनाएगी कौन, संघ यानी कि केंद्र। सेकंड में बनाएगी राज्य और थर्ड में बनाएगी दोनों, इनको बोलते हैं इंग्लिश में कॉन्करेंट लिस्ट। पहली हो गई जिसको हम बोलते हैं इंडियन लिस्ट, सेकंड को स्टेट लिस्ट और थर्ड को कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट का मतलब संवर्ती है ना, दोनों जो सूचियां होंगी वो इसमें इंक्लूड होंगी, यानी कि इसमें राज्य भी हमारा कानून बना सकता है और हमारा दूसरा संघ भी बना सकता है। तो इस चीज को आप अच्छे से समझ लें। अब इसमें किस कौन से सब्जेक्ट होते हैं वो हम किसको देखेंगे, मगर जो संवर्ती सूची है वो मेन फोकस पैसे बना सकती है दोनों, मगर जो मेन राइट्स मेन अधिकार है वो है किस पर, वो है हमारी संघ पर, क्योंकि केंद्र ही एक ऐसा है जो हमारा कानून बना सकता है, लॉ फॉर्मेशन बना सकता है, नियम बना सकता है, बाकी ये अपने जैसे कह सकते हैं इस तौर पर बना सकता है, मगर जो मेन हमारा सोर्स है वो हमारे केंद्र के पास, और इसमें ये संवर्ती सूची में दोनों मिलकर बना सकते हैं। अब आते हैं इसमें कितने कितने सब्जेक्ट होते हैं, तो सब्जेक्ट देख लेते हैं। संघ सूची में पहले कितने थे, 97 सब्जेक्ट थे, यानी 97 सब्जेक्ट थे। इसके बाद में वर्तमान में कितने आ गए, 98 सब्जेक्ट आ गए। पहले कितने थे, पहले थे हमारे 97, एक बढ़ गया यानी कि 98 सब्जेक्ट हो गए हमारे संघ में। आपको ध्यान रखना है
कि भैया बड़ा जो होता है उसको ध्यान रखना चाहिए। ट्रिक है जो बड़ी चीज होगी वो बड़ी होगी, यानी संघ क्या बड़ा है हमारा, तो बड़े में क्या गया 97 थे 98 हो गए, पहली चीज याद होगी। दूसरी चीज आगे राज्य, राज्य में क्या 66 विषय थे यानी सब्जेक्ट थे, अब कितने हो गए 62, पहले कितने थे 66, अब घटकर हो गए भैया कितने वो हो गए हमारे 62। तो ये बीच का है, यानी बीच का यानी कि राज्य तो भैया उससे थोड़े कम होंगे और उससे भी कम हो जाएंगे, यानी समवर्ती सूची में केंद्र तथा राज्य दोनों के बीच में क्या होता है संबंध होता है और ये दोनों कानून बना सकते हैं, ये भी कानून बनाता है। और ये राज्य में तो पता ही आपको राज्य में कौन बनाएगा, वो तो बनाएगा सीधे सीधे भैया कौन बनाएगा, राज्य बनाएगी स्टेट गवर्नमेंट, इसमें कौन बनाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट, इसमें ये सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों बना सकती है। और वैसे जो बनाती है वो मेन जो हमारा सोर्स है वो कौन है बनाती है, वो हमारी यूनियन सेंट्रल गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट है। तो संवर्ती सूची में सबसे कम आ गए तो पहले कितने थे 47 और बढ़कर कितने हो गए 52। तो देखो पहला वाला कैसे आपको याद करना है, पहले कितने थे बताओ भैया, पहले थे हमारे 97, बाद में कितने हो गए 98, फिर बाद में 66 थे और कितने घटकर रह गए, अब पहले में बड़े आप कहोगे इसमें हमें याद नहीं हो रहा है, तो मेरे को याद करवाने की आपको ट्रिक बताता हूँ किस तरीके से आपको याद करने। पहली चीज जो होती है वो बड़ी होती है, 97 तो 97 से एक बढ़ गया 98 होगा, पहले तो आपको याद हो गया होगा 97 थे अब कितने, इसको भी छोड़ो ये 97 66 और ये 47 इसको भी भूल जाओ, इसको भी क्या करो भूल जाओ, और इसको ध्यान रखो 98 62 52। अब आपको बिल्कुल याद हो गया होगा 5 6 2 2 98, अब लो कुछ करने की जरूरत नहीं, आराम से याद हो गया 98। फिर उसके बाद अब मैंने बता दिया ना 98 के बाद उससे थोड़ा कम आएगा 62 आ गया ना, उससे कम क्या आ गया 52 आ गया ना, तो याद हो इसमें। अब ये भी 97 66 47 इधर मैं कोड बना दे रहा हूं आपके लिए, तो आपको और अच्छा याद हो जाएगा, इधर बना दे रहा हूं मैं कोड तो आपको ट्रिक से अच्छा याद हो जाएगा। देखो इधर 97 लिख दे रहा हूं 66 लिख दे रहा हूं मगर यहां आ नहीं पाएगा, चलो आप मेरी बात को सुन लो नहीं तो फिर ये गड़बड़ हो जाएगा, सुन लो। तो 97 66 और 47 ये नहीं पूछा जाता, पूछा जाता अब कितने हैं, ये पूछा जाता है कि अब कितने, पहले थे 97 संघ में, बाद में कितने हो गए 98 सेकंड में, उधर जाओ लास्ट वाले में मैंने बताई देख रही कितने, इधर कितने थे, इधर कितने थे यानी इधर थे हमारे 62 और इधर हमारे नीचे थे 52। देखो 62 और 52 है 66 और 47, 97 66 47 को आपको याद करना है, कोड है इधर 97 66 47 एक तरफ कर लो, पहले स्टार्टिंग में पहले कितने थे अब कितने हैं, पहले कितने थे 97 66 47 अब कितने हैं यानी 98, दूसरा आ गया हमारा 62, तीसरा आ गया हमारा 52 98 62 52 याद हो गए, अब तो नहीं भूलोगे, बिल्कुल नहीं भूलना है इस चीज को, मैं फिर बता दे रहा हूं आपको, इधर के याद करने चाहे इधर के याद कर लेना है, इधर कितना पहुंच जाओगे इधर आप सबसे कोने में 97 क्या पहुंचोगे 97 सबसे पहले पहुंचोगे, फिर इधर पहुंचोगे 66 और 47, इसको ध्यान रखना भूलना बिल्कुल नहीं है, बार बार बता चुका हूं 90 इसको आपको 98 62 और 52 इसको ध्यान रखना। अब आते हैं आठवीं अनुसूची पे, आठवीं अनुसूची में आपको क्या ध्यान रखना है, 22 जो होते हैं हमारी लैंग्वेजेस यानी 22 भाषाओं का इसमें डिस्क्रिप्शन वर्णन किया गया है, आपको बस इतना ध्यान रखना है यानी 22 भाषाओं का उल्लेख इसमें किया गया है, वो किया गया है हमारे आठवीं अनुसूची में, और इसमें कौन कौन सी जो हमारी लैंग्वेज भाषाएं जोड़ी गई है वो है हमारी इसमें देखो 1967 में क्या जोड़ ली गई हमारी सिंधी, इसमें सिंधी जोड़ ली गई, 1992 में क्या जोड़ ली गई कोंकणी जोड़ ली गई, मणिपुर तथा नेपाली को जोड़ा गया किसमें 1992 में, और दूसरा 2004 में मैथिली तथा संताली डोगरी एवं बोडो को जोड़ा गया। तो आपको इस आठवीं अनुसूची में सिर्फ एक चीज ध्यान रखनी है, इसमें क्या ध्यान रखना है, इसमें ध्यान रखना है आपको 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है आठवीं अनुसूची में। अब यहां तक तो मैंने कहां तक पढ़ा दिया आपको 8 तक यानी 8 अनुसूची पढ़ा दी, अब कितनी बच गई 4 बच गई ना, भूलोगे नहीं, पहली अनुसूची में क्या था, पहली अनुसूची में जो था वो हमारा था राज्य एवं संघ, सेकंड में क्या था वेतन भत्ता, थर्ड में क्या था ओथ यानी शपथ, फोर्थ में क्या था राज्यसभा का जो आवंटन होता है सीटों का उसके बारे में स्थानीय निकाय का बारे में बता दिया, यानी राज्यसभा के आवंटन आपको ध्यान रखना है, बस इतना कितने हो गए फोर्थ फिफ्थ पे आ गए एससी एसटी यानी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के स्थानों
और इनके जो नियंत्रण है प्रशासन उसके बारे में बताएगा। साथ में क्या बताएगा, केंद्र तथा राज्य की जो सूचियां हैं यानी जो उनकी लिस्ट है उसके बारे में बताया गया। किसके बारे में, सातवें में, कितनी लिस्टें होती हैं, तीन होती हैं, यानी कि उसमें केंद्र, दूसरा राज्य, तीसरा कौन सा हो गया जो हम पढ़ रहे हैं, संवर्ती सूची। तो पहले में हमने जो सब्जेक्ट पढ़े थे, मैंने आपको कहा था जो चीज एग्जाम में पूछी जाती है उसको आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। कौन कौन सी चीज पूछी जाती है सेवंथ में, सेवंथ हम सूची पढ़ रहे हैं, राज्य जैसे हम पढ़ेंगे सबसे पहले केंद्र, फिर राज्य, फिर दूसरा संवर्ती। तो सबसे पहले संघ में कितने हो गए थे, 98। उससे नीचे आ जाओ, मैंने कहा था कम है थोड़े, 62। उससे नीचे थोड़े आ जाओ, कितने हो गए, 52। एक मैंने कोड बनवाया था 98 62 52। इसको आपको अच्छे से याद कर लेना है। उधर कितने थे भैया, सबसे ऊपर पहुंच जाओ लेफ्ट साइड में, लेफ्ट साइड में कितने पहुंचोगे, 97 66 और 47। इसको आपको ध्यान रखना, भूलना नहीं है। तो इन चीजों को आप याद कर लेना, भूलना नहीं है बिल्कुल। अगर कोई चीज समझ में नहीं आती जल्दी जल्दी, हो सकता है कोई बोलने से निकल जाती हो तो उसको आप इग्नोर करना, क्योंकि जो भी ये सोर्स मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ ये एक ऐसा चैनल है जहाँ आपको सिर्फ और सिर्फ क्या स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराया जाता है। आप कहीं भी वीडियो में जाकर देख लेना क्वालिटी। और रही क्वालिटी की बात, तो आप क्वालिटी आपको क्या करनी है, क्वालिटी में आपको 144 नहीं देखनी है, 144 पे आपको क्वालिटी नहीं देखनी है, आपको क्वालिटी शुरू करनी है 240 से लेकर और 480 तक, 360 480। तो आपको क्या करना है, जब आप यूट्यूब पर जाओगे आपको राइट साइड में सबसे कोने पर मिलेंगे थ्री डॉट्स बने हुए, कोने पे बिल्कुल मिलेंगे, उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आ जाती है क्वालिटी, क्वालिटी पर आपको क्लिक करना है, 360 पे आपको बेहतरीन क्वालिटी मिलेगी, एकदम बिंदास क्वालिटी जिसे बोलते हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी मिलेगी। और 480 आपने सेलेक्ट कर लिया तो आपको क्वालिटी और ज्यादा मिलेगी, क्योंकि एक वीडियो आपको अपलोड करने में मैं आपको बहुत मेहनत करता हूँ ताकि आपको वो चीज क्लियरिटी दिखाई जाए कि किस तरीके से कितनी कितनी एमबी की होती है, बहुत उसमें मेहनत करता हूँ आपकी अपलोड करने में। तो आप क्या करना है, 360 पे, और अगर आपने 480 देखी तो बहुत अच्छी क्वालिटी मिलेगी। तो 144 और 240 पे अच्छी क्वालिटी मिलती है, मगर अगर 360 और 480 पे देखेंगे यानी 360 पे और 480 पे तो बेहतरीन क्वालिटी मिलेगी। तो इसको आप जरूर देखना, कुछ बच्चे हैं वो क्या करते हैं बंद यानी 144 पे देखने लगते हैं, कहते हैं सर ये थोड़ा, तो थोड़ी क्वालिटी दो ना तभी तो अच्छी चीज लगेगी। क्वालिटी तो हुई, तो जैसे मैं क्वालिटी दे रहा हूँ आपको, हर चीज दे रहा हूँ, तो ज्यादा बात नहीं करना। नेक्स्ट आते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए फटाफट। अब आते हैं नेक्स्ट पर, तो नेक्स्ट देख लेते हैं हम। तो नेक्स्ट में क्या है, यानी कि हमने कितनी पढ़ ली थी, हमने पढ़ ली थी 8। तो नौवीं अनुसूची में देख लेते हैं, तो नौवीं अनुसूची में क्या है, संविधान संशोधन 1951 के द्वारा ये जोड़ी गई थी, यानी नौवीं जो अनुसूची है संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है उसके यानी 1951 में किसको जोड़ा गया था, नौवीं सूची को, और इसमें क्या बताया गया था, राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण को बताया गया था। तो आपको इसमें ध्यान रखना है, जो हमारी नौवीं सूची है उसमें क्या बताया, राज्य के द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण को 1951 में। दसवीं है हमारी, दसवीं अनुसूची क्या है, 52वें संविधान संशोधन की प्रक्रिया में 1985 के द्वारा दल बदल को जोड़ा गया, यानी दल बदल को जोड़ा गया किस, कौन सी प्रक्रिया में, वो जोड़ा गया हमारी 52वें संविधान संशोधन की प्रक्रिया 1985 में दसवीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची में क्या है, 73वें संविधान संशोधन 1993 पंचायती राज व्यवस्था को इसमें जोड़ा गया। इसमें कितने सब्जेक्ट हैं, इसमें है 29 सब्जेक्ट, 29 विषय हैं, 29 सब्जेक्ट। और 12वीं अनुसूची में 74वें संविधान संशोधन 1993 में शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन प्रणाली को जोड़ा गया, यानी कि 1993 और इधर 73 और 74, यानी पहले आ गया 73 फिर 74, यानी कि 73 और 74 शहरी और हमारा संविधान। तो इसमें सबसे पहले आप देखो किस तरीके से इसको याद करना, मैं आपको याद करने की ट्रिक बताता हूँ। इसको आप छोड़ो, अभी बैकबोर्ड पे क्या लिखा, जो चीज मैंने आपको बोल दी वही चीज क्या हो रही है, आपको बैकबोर्ड पे याद हो रही है। अब देखते हैं, सबसे पहले हमने पढ़ रहे हैं अनुसूचियां। तो अनुसूची में सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले जो अनुसूची आ गई उसमें क्या बताया है, पहली अनुसूची में क्या बताया है, उसमें बताया है राज्य और संघ, स्टेट एंड यूनियन। सेकंड में क्या बताया, जितने भी हमारे पदाधिकारी होंगे उनका क्या होगा, वेतन भत्ता। थर्ड में क्या आ गया, ओथ, यानी कि जिसमें शपथ दिलवाई जाती है सारे जितने पदाधिकारी होते हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट का ले लो, चाहे हमारा इसका राष्ट्रपति ले लो, चाहे उपराष्ट्रपति ले लो, चाहे कुछ भी ले लो, वाइस प्रेसिडेंट यूनियन, जितने भी, चाहे आपको कहीं भी शपथ देखे तो वो किसमें होगी हमारी, थर्ड में। फोर्थ में आ गया हमारा राज्यसभा के जितने भी होंगे
उनके स्थानीय निकायों का आवंटन होगा। तो इसमें हो गया राज्यसभाओं के जितने भी होंगे स्थानीय निकायों का आवंटन, क्षेत्रों का आवंटन, सीटों का आवंटन। ये तो हो गई चार पक्की हो गई, याद हो गई। फिफ्थ पे आ जाते हैं एससी एसटी यानी पांच का पंच यानी एससी एसटी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स यानी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों का आवंटन होगा। इसमें इसमें प्रशासन और उनके आवंटन के बारे में, नियंत्रण के बारे में बताया गया। ये कितनी हो गई हमारी, मैंने अब बता दिया आपको पांच। छठी में क्या बताया गया है, छठी में आपको बताया गया था असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम जो हमारे स्टेट है उनको इंक्लूड किया गया है। कौन सी सूची में, क्वेश्चन आता है कि असम, मेघालय, त्रिपुरा को कौन सी सूची में रखा गया है, इतना क्वेश्चन आता है, तो आपको तुरंत लगा देना सिक्स यानी छठी, छठी अनुसूची में आपको उसको याद कर लेना। सातवीं अनुसूची कौन सी होती है, सातवीं अनुसूची हमारी होती है जो मैं आपको बताने जाता हूँ, बहुत ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये राज्य सरकार जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट होती है राज्य सरकार के द्वारा अधिनियम कराया जाता है इसमें, और इसमें रखा गया है संपत्ति को, संपत्ति के अधिकार को। पहले अब संपत्ति के जो है, संपत्ति प्रॉपर्टी है, तो संपत्ति के जो है वो कितने हमारे जो, जैसे मैं बोलूं अधिकार, तो हमारे मौलिक अधिकार जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो कितने हैं, सिक्स हैं। पहले सात थे, जो संपत्ति का अधिकार था वो हट गया। इससे पहले मैंने एक आपको पिछले जो पुराना वीडियो होगा उसमें बताया होगा कि किस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। जो संपत्ति का अधिकार था वो सातवां था, आप कितने हमारे जो मौलिक अधिकार है वो छह हैं। और कहां से लिए गए हैं, वो लिए गए हैं हमारे अमेरिका से, जिसको बोलते हैं हम फंडामेंटल राइट्स। तो इसको आपको ध्यान रखना है। और वो जो संपत्ति का अधिकार है वो कहां पहुंच गया है, 300 कामे यानी कि जो हमारा अनुच्छेद है वो पहुंच गया 300 कामे, यानी कि जब मैं आपको आर्टिकल पढ़ाऊंगा तब आपको वो चीज बताऊंगा। यानी कि ये मैंने बता दिया आपको, कितनी चीजें बता दी, एक तो मैं सबसे पहले आपको दोबारा फिर बता दे रहा हूँ, नहीं तो आप बहुत जल्दी भूल जाएंगे जो लिखा हुआ है सामने, तो आप इसमें नौवीं पे आ जाएंगे, आठवीं भूल जाएंगे, सातवीं भूल जाएंगे, क्योंकि बोलने में क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा मिस्टेक हो जाती है कि कोई चीज बताओ तो वो चीज वहां से इंटरफेयर हो जाती है, मतलब वो गायब हो जाती है। तो दोबारा फिर सुन लीजिए, पहले में क्या हो गई, सबसे पहले में स्टेट और यूनियन, सेकंड में क्या हो गई हमारी वेतन भत्ता, थर्ड में क्या हो गई हमारी वोट सफर, फोर्थ में क्या हो गया राज्यसभा के आवंटन, और हमारी फिफ्थ एससी एसटी, और सिक्स में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, सात में हमारी हो गई जितने राज्यसभाओं की लिस्ट दे रखी है, जैसे हमारी केंद्र है और हमारा स्टेट आ गया, तो लिस्ट कितनी होती है, लिस्ट हमारी होती है, यानी मैं पहुंच गया हूँ कौन सी पे सूची पे, सातवीं अनुसूची पे पहुंच गया हूँ। आपको इसमें ध्यान रखना है, मैं पहुंच गया हूँ सातवीं अनुसूची पे, तो फिर आप भूल जाओगे, नहीं तो मैं जो जो चीज आपको बता रहा हूँ वो लगातार आपको ध्यान रखना है। इसमें कितने सब्जेक्ट है, थ्री, एक आपको ध्यान रखना है सातवीं में कौन सा, एक 98, दूसरा सबसे कम आ जाओ 62 यानी 62, और थर्ड वाला समवर्ती में 52। अब इससे नीचे आ जाओ, ये कितनी हो गई, अब सात तो हो गई, अब आ जाओ आठवें कौन सी हो गई, आठवें हो गई हमारी 22 भाषाओं का वर्णन किया गया, यानी 22 लैंग्वेज जो है वो बताई गई है, किसमें बताई गई 22 लैंग्वेज, 22 लैंग्वेज, वो आठवीं में। नौवीं में क्या है, नौवीं अनुसूची में संपत्ति के जो अधिग्रहण है राज्य सरकार के द्वारा उसको बताया गया, कौन सी में, नौवीं में। दसवीं में हमारी बताया गया दल बदल, यानी जो दल बदल होता है वो किस तरीके से होता है उसमें, दसवीं अनुसूची में बताया गया। ग्यारहवीं अनुसूची में क्या बताया गया, ग्यारहवीं अनुसूची में बताया गया है हमारा पंचायती राज व्यवस्था यानी पंचायती राज सिस्टम। और लास्ट हमारी बारहवीं, तो बारहवीं क्या होता है, बारहवीं में हमारे बताया गया शहरी स्थानीय निकाय। तो ये थी बारहवीं, क्योंकि मैंने सारे फैन ऑफ कर दिए तो हो सकता है बोलने से कुछ कहीं निकल जाता हो, जो चीज बोलते हो, गर्मी भी बहुत लग रही है इसलिए सारे फैन ऑफ है, क्योंकि आप कहते हो सर कि थोड़ा आवाज वैसे आ रही, तो मैं इसलिए लगातार आपको वो चीज बोलता हूँ। अब ये हो गई, मैं भी एक बार दोबारा फिर बता दूंगा आपको कि अगर कोई बोलने से कुछ भी हो जाता तो आप चीज को मत देखिए, मैं इसलिए हाँ लिखवा देता हूँ क्योंकि गर्मी में आपको पता है क्या बोलने से क्या, मैं दोबारा एक बार आपको फिर बता देता हूँ। इसके बाद में हमारी ये जितनी भी है हमारी सूचियां हो जाएंगी फिनिश, एक बार दोबारा मैं फिर आपका रिवीजन करा देता हूँ। सबसे पहले आराम से, कुछ नहीं, वीडियो एक बार देखना, कभी नहीं बोलोगे ट्रिक के साथ। सबसे पहले जो हमारी सूची होती है वो होती है राज्य, और दूसरा हमारा संघ यानी स्टेट और यूनियन, पहली अनुसूची। दूसरी अनुसूची जो होती है उसमें रखा गया जितने भी हमारे पदाधिकारी होंगे उनका वेतन और भत्ता। थर्ड में आ गया शपथ, जितने भी हमारे अधिकारी होंगे पदाधिकारी उनको क्या दिलवाई जाएगी, शपथ यानी कि ओथ। फोर्थ हमारा आ गया राज्यसभा के जितने भी प्रतिनिधि होंगे यानी कि राज्यसभा के सीटों का आवंटन यानी वितरण, जो भी आप समझ लीजिए, तो राज्यसभा के उसका आवंटन या वितरण होगा, किसमें होगा, फोर्थ में। फिफ्थ आ गया पांच का पांच यानी एससी और एसटी के बारे में बताया गया, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण, कितने हो गए हमारे पांच। छठी में बताया गया
असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के बारे में बताया गया, इनको इसमें रखा गया। कितनी हो गई हमारी, कितनी हो गई, 6 हो गई ना। अब आ जाते हैं सेवेंथ पर। सेवेंथ हमारी जो हमारी 3 सूचियां रखी गई हैं, यानी केंद्र और राज्य को दोनों को मिलाकर हमारी 7वीं सूची में रखी गई है। कौन सी 3 सूचियां? राज्य सूची, एक तो जो हमारी सबसे पहली हमारी केंद्र सूची, राज्य सूची और दूसरा आ गया संवर्ती, जिसको हम बोलते हैं कॉन्करेंट लिस्ट। ऊपर सबसे मैंने जो आपको बताया था कि आपको क्या चीज ध्यान रखनी है, आपको ध्यान रखना केंद्र में, केंद्र में कितने सब्जेक्ट हो गए थे, 97 से बल्कि 98, यानी वो हम मैंने कहा था आपको अभी भूल जाओ, उसको ध्यान आपको नहीं रखना, आपको सिर्फ इधर वाला ध्यान रखना है, यानी जो जितने अभी वर्तमान में चल रहे हैं। तो कितने वहां पर कितने थे, 98 सब्जेक्ट थे हमारे केंद्र पर। राज्य पे आ जाओ तो राज्य पर कितने हैं, राज्य पर कितने हैं, वो है हमारे 62, जो राज्य सूची में है हमारे हैं 62 सब्जेक्ट। अब आ जाओ संवर्ती सूची में, तो संवर्ती सूची में हमारे कितने हैं, 52, यानी कि 98, 62 और 52, यानी कि जो 98, 62 और 52, 98, 62, 52, ये कोड आप याद कर लेना, आपको ये याद होगा। कितने बता दिए मैंने आपको, 7th। 8th पे आ जाओ, 22 भाषाओं का इसमें वर्णन किया गया है 8वीं अनुसूची में, यानी कि 8वीं अनुसूची में क्या किया है, 22 भाषाओं का वर्णन किया गया, किसमें किया गया, 8वीं अनुसूची में। 9वीं अनुसूची में आ जाओ तो 9वीं अनुसूची में क्या है, 9वीं अनुसूची में बताया गया है संपत्ति के, यानी राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण को किसमें बताया गया, वो बताया गया है हमारी 9वीं अनुसूची में। 10वीं अनुसूची में क्या बताया गया, 10वीं अनुसूची में बताया गया दल बदल, यानी 10वीं अनुसूची में क्या बताया गया, दल बदल। 11वीं अनुसूची में क्या बताया गया, 11वीं अनुसूची में बताया गया पंचायती राज सिस्टम। और हमारा लास्ट है वो है कौन सा, जो सबसे लास्ट बच गया हमारा, 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची में क्या बताया गया, शहरी प्रशासन, यानी शहरी जितने भी होंगे शहर के बारे में बताया गया, शहरी प्रशासन के बारे में बताया गया। ये थी 12 अनुसूचियां। तब भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो क्या करना है, आपको वो चीज को आपको ध्यान रखना है और वो चीज समझ के, मुझे जैसे कोई भी चीज आपको नहीं समझ में आ रही तो कमेंट करके जरूर पूछना है कि सर ये मुझे चीज समझ में नहीं आ रही, दो चीज और वो मैं लिखवा दे रहा हूँ, इसके बाद में पढ़ेंगे फिर नेक्स्ट, नहीं तो वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा। तो हमने संविधान में जो अब जो चीज है, संविधान के जो फॉर्मेशन निर्माण है उसमें हमने क्या पढ़ लिया, एक तो मैं आपको बता देता हूं आपने क्या पढ़ लिए, भाग पढ़ लिए, यानी कि भाग कितने हैं, 22। अनुच्छेद पढ़ लिए, अभी अनुच्छेद नहीं पढ़े तो अनुच्छेद कितने हैं आपके, तो वो है हमारे 395 अनुच्छेद, इसको भी आपको ध्यान रखना है। और हमारे अभी जो मैंने आपको पढ़ाया वो अनुसूचियां पढ़ाई है, अनुसूचियां, तो अनुसूचियां कितनी है, वो हमारी हो गई 12 अनुसूचियां हो गई। तो ये जितने भी हैं ये भी मैंने पढ़ा दिया आपको, ये भी मैंने पढ़ा दिया, बचे ये तो अनुच्छेद, तो अनुच्छेद को हम पढ़ लेंगे, जिसको बोलते हैं आर्टिकल। तो आर्टिकल को भी हम पढ़ लेंगे आराम से समझ समझ के, तो इसको आप अभी भूल जाइए जो चीज मैं बता रहा हूं आपके लिए, क्योंकि नहीं तो आप ज्यादा वाज़ा कंफ्यूज हो जाओगे। ये सब चीजें जितनी भी आपको अपने माइंड में सेटअप करके रखना है, अब आप भूल गए होगे जितनी मैंने आपको चीजें लिखवाई है। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, ये मेरा चैनल का नाम है, अगर आप इसको सर्च करते हो यूट्यूब पे स्टडी विद निर्देश को तो NIC लिखा होगा, ये NIC, तो इसको क्या करना है आपको यूट्यूब पे जाकर सर्च करना और N के लोगो बन के आएगा उसको सब्सक्राइब कर लेना है, यानी कि लोगों बन के आएगा उसको आप सब्सक्राइब कर देना है और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। इसमें मैं आपको बहुत मटेरियल डालूंगा, जितना आप सोच नहीं सकते, लगातार बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई है। तो दोबारा हमने ये पढ़ी अनुसूचियां, मैं एक बार दोबारा आपको फिर बता दे रहा हूं लास्ट वीडियो में। तो ये तो रह गया हमारा, ये मैंने बता दिया कि आपको चैनल को सब्सक्राइब किस तरीके से करना है। अब मैं आपको दोबारा फिर बता दे रहा हूँ कि अनुसूचियां हमारी कितनी होती हैं, वो होती है हमारी 12 अनुसूचियां होती हैं। सबसे पहली अनुसूची में मैंने आपको बता दिया था राज्य और संघ, दूसरी में हमारे मैंने आपको बता दिया था वेतन तथा भत्ता, थर्ड में मैंने आपको बता दिया ओथ यानी कि शपथ, फोर्थ में मैंने बता दिया राज्यसभा के जो आवंटन होगा सीटों का उसके बारे में, फिफ्थ हमारा SC और ST अनुसूचित जाति और यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जो प्रशासन नियंत्रण होगा उसके बारे में बताया गया है, ये हो गई यानी 5।
सिक्स के बारे में बताया गया, सिक्स छठी अनुसूची में असम मेघालय त्रिपुरा और मिजोरम के बारे में बताया गया, उसमें स्टेटों को रखा गया है। अब आ जाते हैं कितनी हो गई सिक्स, सेवन्थ पे आ जाते हैं। सेवन्थ में हमारी जो केंद्र और राज्य को मिलाकर इसमें तीन जो हमारी लिस्ट है उसके बारे में बताया गया। एक तो जो हमारी पहली हो गई वो हो गई सबसे पहली हमारी कौन सी, केंद्र राज्य और हमारी कॉन्करेंट जिसे हम बोलते हैं समवर्ती सूची, हम अभी पढ़ रहे हैं सेवन्थ वाले। इसमें क्या 98 जो सब्जेक्ट है किसमें, केंद्र में, और दूसरा 62 62 सब्जेक्ट किसमें है हमारे यानी कि राज्य में, और दूसरा 52 यानी 52 सब्जेक्ट किसमें है हमारे संवर्ती सूची में। ये हो गए सात। आठवीं अनुसूची में 22 भाषाओं के यानी 22 लैंग्वेज को रखा गया, यानी 22 भाषाओं को रखा गया। ये हो गई हमारी आठ। नौवीं, अब ये तो हो गया आठ तक। नौवीं अनुसूची में है जो यानी राज्य के द्वारा जो संपत्ति है उसके अधिग्रहण को बताया गया, यानी इसमें संपत्ति को, संपत्ति के बारे में बताया गया। नौवीं अनुसूची में जो हमारी आ गई दस, तो दसवीं अनुसूची में क्या है, इसमें दल बदल के लिए बताया गया कोई किधर भी जा सकता है, तो दल बदल की प्रक्रिया को इसमें शामिल किया गया किसमें, हमारी दसवीं अनुसूची में। ग्यारह अनुसूची में बताया गया पंचायती राज सिस्टम को बताया गया, पंचायती राज व्यवस्था को बताया गया, किसको बताया गया वो हमारी आपको पता ही है। ग्यारहवीं बची लास्ट, तो लास्ट कौन सी बच गई, लास्ट बच गई हमारी शहरी, जो हमारी शहरी प्रशासन निकाय है यानी शहरी व्यवस्था को बताया गया किसमें, वो हमारी बताया गया बारह में। तो मैंने ये बारह अनुसूचियां आपको मुश्किल से जो मैंने जो चीज आपको यहां लिखी है लिखवाई है वो मैंने आपको नोट्स के तौर पर लिखवाई है, तो आपको क्या करना है इस चीज को अच्छे से समझ लेना है, क्योंकि मैं आपको यहाँ नोट्स प्रोवाइड कराता हूँ, तो नोट्स जो मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ वो करवाता हूँ आपके लिखने के लिए, ताकि आप वो चीज को देख के लिख सको, आपको याद हो जाए, जैसे मुझे हर चीज याद है। तो क्योंकि मैंने चीज पढ़ रखी और ट्रिक के साथ मैंने आपको बताया, तब भी अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है, कुछ भी दिक्कत होती है, तो आप कमेंट करके जरूर बताना, मैं आपकी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें प्रॉब्लम आपकी सॉल्व करूंगा। वैसे कोई आपकी प्रॉब्लम नहीं होने वाली, मैंने जो जितनी वीडियो है आपको बहुत ज्यादा प्यार मिला है, सपोर्ट मिला है, तो ऐसे ही बने रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए स्टडी विद निर्देश निक चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो थैंक यू वेरी मच, बेस्ट ऑफ लक।